हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक लंबे इंतज़ार के बाद जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज रूट पर रीवा इतवारी एक्सप्रेस और जबलपुर चांदा फोर्ट एक्सप्रेस को चलाने का अप्रूवल मिल चुका है, जो कि 21 फरवरी को अपने ओरिजिन स्टेशन से शाम को 4:30 बजे स्पेशल ट्रेन बनकर प्रारंभ होगी, जिसे हरी झंडी हमारे देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे, जिसमें रीवा इतवारी एक्सप्रेस रीवा स्टेशन से शाम को 4:30 बजे छूटेगी और यह सतना मैहर कटनी जबलपुर के रास्ते नैनपुर गोंदिया होते हुए इतवारी स्टेशन सुबह 6:50 को पहुंचेगी और दूसरी ट्रेन जबलपुर चांदा फोर्ट एक्सप्रेस जो कि जबलपुर स्टेशन से शाम को 4:30 बजे छूटेगी और यह नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते चांदा फोर्ट 1 बजे पहुंचेगी। इन्हें 21 फरवरी को केवल स्पेशल ट्रेन बना के चलाया जाएगा और यह 22 फरवरी से अपने निश्चित टाइमिंग के साथ ओरिजिन स्टेशन से प्रारंभ होगी, जिसमें रीवा इतवारी एक्सप्रेस 22 फरवरी से अपने निश्चित टाइमिंग के साथ रीवा स्टेशन से शाम को 5:20 को छूटेगी और यह सतना मैहर कटनी के रास्ते जबलपुर रात 9:30 बजे पहुँचेगी और फिर वहाँ से यह नैनपुर गोंदिया के रास्ते इतवारी स्टेशन सुबह 7:50 को पहुंचेगी, जिसे सप्ताह में 3 दिन सोमवार बुधवार और शनिवार चलाया जाएगा और दूसरी ट्रेन जबलपुर से चांदा फोर्ट के मध्य जबलपुर से सुबह 5:15 बजे छूटेगी और यह नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते चांदा फोर्ट दोपहर 1:50 को पहुँचेगी। फ्रेंड्स, इन ट्रेनों के प्रारंभ होने से जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज के मध्य रहने वाले लोगों को यात्रा करने में काफ़ी सुविधा होगी, जो कि लंबे समय से इन ट्रेनों के प्रारंभ होने का इंतज़ार कर रहे थे। इन ट्रेनों के आ सके रिजर्वेशन भी प्रारंभ कर दिए जाएंगे, जिससे अब जबलपुर गोंदिया बालाघाट और नागपुर के मध्य यात्रा करने में काफ़ी सुविधा होगी। इसके पहले 3 जनवरी को गया चेन्नई एक्सप्रेस को जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज के मध्य प्रारंभ किया गया था, जो कि सप्ताह में केवल एक ही दिन चलती थी, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता था। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी चैनल की लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।